आइए रूबरू होते हैं कुछ ऐसे ही मधुमक्खी पालकों से जिनके कारण बिहार में शहद क्रांति आई है। ऐसे ही एक मधुमक्खी पालक हैं बेला रोड मुजफ्फरपुर के रहने वाले अजय कुमार सिंह, जिन्होंने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने पुश्तैनी मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को आगे जारी रखा। ट्रेनिंग के लिए मुझे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के बारे में पता चला। मैं वहां से 2017 में मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग लिया और फिर इस व्यवसाय में आ गया। इस व्यवसाय में आने के बाद मैं बहुत कम बॉक्स से मधुमक्खी पालन शुरू किया। आज हमारे पास 600 बॉक्स हैं और मैं लगभग 5 टन शहद का उत्पादन करता हूँ। ये शहद सारे उत्पादन मैं अपने काउंटर से ही सेल करता हूँ, इससे हमारी बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है। हमें लगा कि मधुमक्खी पालकों को बहुत सारे सामान आसानी से नहीं मिल पाते, तो उन लोगों के लिए मैंने ये बी ब्रश बनाया, जिससे मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी को छाते से हटाने में काम आता है। ये चाकू हमने यहाँ बनाना शुरू किया, ये मधुमक्खी पालन में छाते का सील काटने में काम आ जाता है। इस नकाब को पहन करके मधुमक्खी पालन का काम करते हैं, जिससे गर्दन के ऊपर मधुमक्खी नहीं काट सके। ये मोम सीट पहले बाहर से आती थी, इसका मशीन हमने यहाँ मंगवाया और यहाँ भी इसका ये मोम सीट बनाना शुरू किया। इस पर मधुमक्खी को डेवलप कराने में इसका काम आता है। इस व्यवसाय से बहुत खुश हैं और हमारी आमदनी भी अच्छी हो जाती है। इन सब में रोचक बात ये लगी कि अजय कुमार सिंह जितना शहद का उत्पादन करते हैं, सभी को अपनी दुकान यानी अपने आउटलेट पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। ऐसे ही एक अन्य उत्साही एवं कर्मठ उद्यमी महिला हैं पटियासा जलाल मुजफ्फरपुर की रहने वाली अनीता कुमारी। अनीता कुमारी जी ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय से की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक समय समय पर अनीता कुमारी जी के यहाँ भ्रमण कर इनका मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। इन्होंने शहद उत्पादन में अपनी एक खास पहचान बनाई हुई है। मैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में गई, वहाँ पे मैंने वैज्ञानिकों से मिली, वहाँ मैंने प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद सलाह दिया गया कि आप 10 बक्से से इस काम को शुरू करो और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगी और बक्से बढ़ते जाएंगे। मैंने 10 से 15 हुए, 15 से 20 हुए। आज हमारे पास 300 से ज़्यादा मधुमक्खी के बक्से हैं। आज इस व्यवसाय को करके मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। इनके द्वारा अपने शहद की प्रोसेसिंग कर अपने ही घर में पैक कर खुदरा बाजार में उपलब्ध करवाया जाता है, इससे इनकी अच्छी कमाई हो जाती है।